कनान जल शुद्धिकरण केंद्र से शहर की ओर आने वाली 900 मीटर चौड़ी मुख्य जलवाहिनी महामेट्रो के ठेकेदार द्वारा वर्धमान नगर के पास डिप्टी सिग्नल रेलवे फाटक के करीब फोड़ दी, जिससे जलवाहिनी को भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग की ओर से दी गई। महानगर पालिका के अनुसार जलवाहिनी क्षतिग्रस्त होने के कारण जहां मंगलवार को लकड़गंज जोन और नेहरू नगर जोन अंतर्गत 16 टंकियों को जलापूर्ति नहीं हो पाई, वहीं बुधवार को भी इन 16 टंकियों की जलापूर्ति बाधित रहेगी। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए महानगर पालिका और OCW द्वारा सुधार कार्य जलापूर्ति सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। महानगर की ओर से बताया गया कि महामेट्रो रेल के ठेकेदार की ओर से डिप्टी सिग्नल के पास RUB और ROB का काम किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान गंभीरता नहीं बरतने के कारण जलवाहिनी लीकेज हो गई, जिससे भारी मात्रा में पानी की क्षति हुई है। इस क्षति को रोकने के लिए कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र से आ रही 1300 mm और 600 mm की जलवाहिनी से पंपिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यही कारण है कि मंगलवार को अचानक जलापूर्ति बंद हो गई। चूंकि इन दोनों जोन में टंकियों की जलापूर्ति ही बंद हुई है, अतः टंकियों से टैंकर द्वारा होने वाली जलापूर्ति भी पूरी तरह बाधित रहेगी।